पहले तो आप मुझे डॉक्टर स्वरूप सिंह के बारे में बताइए, आपका उनसे कैसे परिचय हुआ? वो सांगी गांव से, अच्छा, एक छोटे किसान के बेटे थे, फीस भी देने को पैसा नहीं होता, उनके पास नहीं होता। तो लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार। हरिद्वार लाल जी ऐसा कहते थे कि हरियाणा में डेढ़ आदमी पढ़े लिखे हैं, एक तो मैं खुद हूँ और आधा स्वरूप सिंह है। इस कहावत में कितना दम है? उनके फादर इधर उधर से मदद लेके एडमिशन करा दिया। हरियाणा की राजनीति में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि डॉक्टर स्वरूप सिंह नाम की एक शख्सियत हरियाणा से हुए हैं। बोलो, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है और आज के दौर के लोगों को तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप मुझे डॉक्टर स्वरूप सिंह के बारे में बताइए, आपका उनसे कैसे परिचय हुआ? देखिए, वो सांगी गांव से, अच्छा, एक छोटे किसान के बेटे थे, यहाँ तक के फीस भी देने को पैसा नहीं होता, उनके पास नहीं होता। हाँ, तो लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार, गांव से जाटा स्कूल रोहतक आए, वहाँ से स्कूल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, उनके फादर इधर उधर से मदद लेके उनका एडमिशन करा दिया और दिल्ली से ही बीए किया, पहले बीए ऑनर्स इंग्लिश, अच्छा, और फिर इंग्लिश एमए में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहे, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट, गांव का लड़का, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटी इंडिया में, तो उसमें फर्स्ट रहे। तो उसी बेसिस पे फिर उन्होंने ट्राई किया कि इंग्लैंड से पीएचडी करूं इंग्लिश। अच्छा, इंग्लैंड से पीएचडी उससे। हाँ, तो लंदन यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल गया और उन दिनों ये फेलोशिप्स वगैरह होती नहीं थी जी। बाद में तो हो गई हमारे वहाँ। तो सवाल आया कि भी कैसे फिर अफोर्ड करें, पैसा कहाँ से? तो इनके फादर ने कहा भी देखो, ये 4-5 किले हैं, इन्हें बेच दे और के करें अपने, पढ़ना तो है। हाँ, तो वो बेच के और फिर ये पानी के जहाज से, उन दिनों तो वही थे, लंदन गए, वहाँ से एमए की और वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में लेक्चरर लग गए। अच्छा, हिंदू कॉलेज में पढ़ाया 2-1 साल, तो हरिद्वारी लाल इधर क्रोडीमल कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अच्छा, तो उन्होंने इनके बारे में सुना भी, ऐसे ऐसे हैं, विद्वान आदमी हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ, हम वाइस प्रिंसिपल बना देते हैं। कहते ठीक है, तो इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, वाइस प्रिंसिपल रहे। फिर हरिद्वारी लाल जब चले गए वहाँ कुरुक्षेत्र, तो इनको भी ले गए, तो वहाँ 1 साल ये रहे। लेकिन साल के बाद चौधरी हरिद्वार लाल तो पॉलिटिक्स में चले गए, ये वापस प्रिंसिपल आ गए क्रोडीमल कॉलेज। अच्छा, क्योंकि यहाँ से छुट्टी लेके गए थे, रिजाइन नहीं किया था। तो यहाँ रहते रहे, फिर कुछ दिन बाद इनकी काबिलियत से वो वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, इनको प्रोफेसर का दर्जा मिला हुआ था, फिर वहाँ रेगुलर जॉब इनको प्रोफेसर की इंग्लिश की मिल गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब को। हाँ, उससे फिर ये बन गए कुछ साल बाद प्रो वाइस चांसलर। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। फिर 2 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही वाइस चांसलर बने। वाइस चांसलर थे, तो वाइस चांसलर के बाद इनको मौका मिला इधर पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, यूनियन पब्लिक सर्विस, इसमें उसके पैनल में आ गई। हाँ, मेंबर बने, 6 साल पे मेंबर रहे। ऐसा भी मैंने सुना है कि वो यूपीएससी में रहते हुए उन्होंने जो रूरल एरिया के बच्चे थे उनके लिए कुछ अलग से उन्होंने प्रावधान। नहीं नहीं, उनकी मदद तो वो शुरू से जब लेक्चरर थे क्रोडीमल कॉलेज में, फिर प्रिंसिपल रहे, इन्होंने इतना उनको इनक्रेज किया, फैसिलिटीज दी, वजीफे दिए, जिसके पास फीस देने को नहीं फीस माफ़ की। तो देहात के जो लड़के आते थे उनकी मदद इन्होंने सबसे ज़्यादा की, और फिर जो अच्छे निकल गए पढ़ाई में उनको यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में सबको नौकरियाँ।
मैं भी उनमें से एक था। अच्छा। मुझे भी नौकरी यहाँ दी उन्होंने। इसी तरह मेरी तरह बहुत कई सौ लोगों को उन्होंने भला किया उनका। तो उसके बाद ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रहे। कमीशन के बाद जो है ये बन गए थे गवर्नर। गवर्नर बने। गवर्नर चोरी चंद सिंह ने बनाया इनको या चंद्रशेखर? ना ना, चंद्रशेखर के। चंद्रशेखर। हाँ, जनता पार्टी की सरकार। हाँ, केरला और गुजरात के गवर्नर रहे वो। हाँ, गुजरात के, केरला के तो रहे साल छः महीने जी। फिर इन्होंने शिफ्ट कर लिया गुजरात, वहाँ पाँच साल के पूरे रहे। राज्यसभा गए फिर? हाँ, फिर राज्यसभा जब मैं था एमएलए तो उस वक्त हमने इनको एक को भेज सकते थे, हम लोक दल एक कांग्रेस की तरफ से गया, तो हमने इनको फिर राज्यसभा में भेजा। तो छः साल राज्यसभा में रहे थे, फिर गवर्नर रहे। उनका देहांत कब हुआ? 13 3 में लिखा मैं, 13 या 3 में ऐसा कुछ। तीन होगा, 13 तीन होगा। आपने किताब भी लिखी है उनका? हाँ, घर होते तो मैं देता आपको। एंड इंस्टेंट मेरे पास है वो। अच्छा है। हाँ। इंग्लिश में भी है फिर हिंदी में? मेरे पास इंग्लिश में है। इंग्लिश, उसकी हिंदी भी की थी। अच्छा। मुझे तो आती नहीं, लेकिन वहाँ एक प्रोफेसर हमारा इंग्लिश का ही मेरा स्टूडेंट भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कहावत हरियाणा में बहुत प्रचलित है कि हरिद्वार लाल जी ऐसा कहते थे कि हरियाणा में डेढ़ आदमी पढ़े लिखे हैं, एक तो मैं खुद हूँ और आधा स्वरूप सिंह है। इस कहावत में कितना दम है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है, उनकी अपनी वैनिटी है। अगर डेढ़ भी माने तो डॉक्टर स्वरूप सिंह एक थे, वो आजा था। उसने तो ना तो एमए इंग्लिश कर रखी, ना कोई पीएचडी कर रखी। डॉक्टर स्वरूप सिंह तो एमए पीएचडी लंदन से, तो उनका क्या किस भी आप पे ऐसा क्या बोलते थे या सिर्फ उनके मजाक करने की इस तरह मजाक आदत थी उनकी अपनी। अच्छा। वो रोहतक में वहाँ तो सोचते भी अनपढ़ लोग है, कुछ ही कह दो, कुछ कह दो, और उसको अंडरमाइन करने को। मैं स्वरूप सिंह, डॉक्टर स्वरूप सिंह को क्या ये बात पता थी कि वो इस तरह की? हाँ, पता था। तो उन्होंने कभी कंट्राडिक्ट नहीं किया आपको? उनका अपना कल्चर है, बड़ापन है, वो ऐसी छोटी बात नहीं करेंगे। अच्छा। इनकी आदत थी, ये तो छोटी पता नहीं क्या कर दें, वो नहीं करते थे।